अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वो है सीजलिंग पोटैटो। तो सीजलिंग चिली पोटैटो है। तो उसकी रेसिपी इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो आलू लिए थे और उसको बॉइल करके उसको इस तरीके से पीसेस में मैंने काट लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च ली है, ये भी ये पाव शिमला मिर्च है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है दो बड़ी प्याज और इस तरीके से इसको भी मतलब थोड़ा सा लंबी लंबी मैंने इसको काट ली है पतली। और इसके बाद जो है यहाँ पर है लहसुन जिसको इस तरीके से चॉप किया हुआ है, लेकिन ये अभी भी बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने टोमेटोज लिए हैं, तो टोमेटोज जो है मैं लूँगी सिर्फ दो टोमेटोज लूँगी। इसको भी हमने ऐसे ही मतलब छोटे छोटे चॉप करने हैं और एक घोल तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, तो ये एक चम्मच, ये बड़ा वाला मैंने चम्मच लिया है, टेबल स्पून, दो, ये हो गए तीन चम्मच, तो मेरा कॉर्नफ्लावर जो है वो खत्म हो गया है। मैं ये न्यू पैकेट खोल रही हूँ। तो तीन चम्मच मैं पहले डाल चुकी थी, अब ये मेरा चौथा चम्मच है, मतलब मैंने चार चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर के लिए है। और इसमें जो है अब इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। ध्यान रखें, मैदा कॉर्नफ्लावर चार चम्मच और मैदा जो है वो मैंने दो चम्मच ले लिए हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हमें सीजलिंग है, ये सीजलिंग चाहिए, तो ये सीजलर में जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने हाफ चम्मच लिया है। उसके बाद में चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अगर आपके पास है तो आप वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे तो मैं इसके लिए इसमें ये चीज़ ऐड कर रही हूँ, चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये अदरक मैंने ली है बिल्कुल छोटी सी, एक मतलब छोटा सा, इससे मतलब ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इससे छोटा वाला ये है, ये हाफ इंच का एक पीस है ये वाला। तो इसको जो है हम कूट लेंगे अच्छी तरीके से। पहले मैं थोड़ा सा ना लहसुन कूटूंगी, क्योंकि लहसुन भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो ये सारा लहसुन इसमें नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा काट के रख दिया है, मतलब हमें कम से कम दो बड़े चम्मच हमें लहसुन चाहिए और एक चम्मच हमें अदरक चाहिए। हरी मिर्ची काट रही है ना, देख रही हूँ उनको कितने सुंदर है। अब लहसुन को मैंने कूट लिया है, अब मैं आपको दिखा दूँ। मैंने इसमें डाला था चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, नमक। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो अजवाइन डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्का, ये देख लीजिए, हाफ टी स्पून से भी ये कम है। ऐसे क्यों करते हैं अजवाइन को मम्मी? इसको मैं दफना। अब इसको जो है हम अच्छी तरीके से एक बैटर बना देंगे। और यहाँ देखिए मैंने तेल भी रख दिया है, तो ये तेल थोड़ा ज़्यादा है बट मुझे जो है वो फ्राई के लिए चाहिए। उसके बाद जब मैं ये डिश बनाऊंगी तो मैं तेल जो है उसमें से कम कर दूंगी। अल्लाह करे पाते कुछ। अब हम ये जो घोल हमने बनाया है इसको मैं डाल दूंगी आलू में। तो हमने ऑयल जो है यहाँ पर पहले से ही हीट करने के लिए रखा है। अच्छी तरीके से हम इस पोटैटो को इस घोल में मिक्स करेंगे, इस सारे जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। नमकांदी क्या हो रहा है भाई, इधर आ रही है चीटे। तो अब हम इसको
फ्राई करेंगे। एक काम करने बोल दिया तो सारे कुरान पढ़ लेना, सारे पारे पढ़ लेना तू। मैं दो पढ़ती हूँ। हाँ तो मैं पढ़ लेंगे, मेरे नहीं मुझे तेरे थे। तो इसको अच्छी तरीके से हमने क्रिस्प होने देना है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको पलट पलट के हम जो है वो पका लेंगे। यार तुम लोग ने पढ़ना है, नहीं पढ़ना यार, मेरा हो गया। मेरा आपने पढ़ा है ना? हाँ तो 25 से 30। तो इसका मतलब अभी मेरे को 4 पढ़ने हैं। तू पढ़ क्यों? मैंने 17, 18, 19, 20 का क्रेडिट होगा तो इतना अच्छे बात है ना। अभी बैठेंगे ना, मैं पढ़ लूंगी, जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लूंगी। कल तक हमें खत्म करना है, कल दोपहर तक खत्म करना है। मैं एक टाइम बैठूंगी, एक बार तो आराम से हो जाता है। 15 तो पेज होते होंगे, 16, 15, 14, 12। अब मैं यहाँ पर जो है वो वेजिटेबल जो है इसके तैयार कर रही हूँ। ये मुझे पोटैटो थोड़े से सख्त चाहिए, मतलब थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये क्रिस्पी होने चाहिए, इसीलिए इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया हुआ है। और अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर अब मैं अदरक जो है मैंने ली थी वो थोड़ा सा मैं इसको चॉप, थोड़े बड़े बड़े हुए थे तो मैं इसको अच्छी तरीके से इसको कूट रही हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए, दरदरा ही चाहिए, तो बस हम वही कर रहे हैं। पोटैटो हो गए हैं, इसको मैं अब निकाल रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा हाथ से ही इसको खोल देंगे। एक्चुअल में जो पोटैटो होते हैं ना उसको हाफ, बिल्कुल हाफ से भी हाफ कुक करना होता है, तब जाके वो अच्छी तरीके से फ्राई होते हैं, लेकिन मेरे कुछ ज्यादा ही गल गए हैं। अब इसमें मैं कैप्सिकम भी डाल रही हूँ, प्याज पूरी तरीके से मैंने लाल नहीं किया है। तेल गरम है गरम, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर, मतलब अच्छी तरीके से सॉटे करूंगी, क्योंकि मुझे जो शिमला मिर्च पसंद नहीं आती है, ज़्यादा कच्ची कच्ची जो है वो पसंद मुझे नहीं आती है, इसके लिए मैं थोड़ा सॉटे करूंगी। अगर आपको आप खा सकते हो थोड़ी सी क्रंची, तो आप जो है इसको थोड़ा ही पकाएं, बट मुझे नहीं पसंद आती है ये। खाली नहीं कर रहे हैं यार, हमारे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है क्या? अब मैंने इसमें जो है टमाटोज भी छोड़ दिए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए जो मैं है इसको कुक करने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, मैं इसमें नमक डाल दूंगी ताकि ये जो वेजिटेबल्स है ये जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। मेरा बर्तन जो है वो छोटा हो गया है, मुझे बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा, तो पहले ये कुक हो जाए उसके बाद मैं फिर चेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कुकिंग स्टार्ट है। ये वाली रेसिपी जो है आपको कल मिलेगी, तो प्लीज कल की अपडेट भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बर्तन जो है अपना चेंज कर लिया है,
आपने देखा कि मैंने तेल बहुत कम तेल डाला है क्योंकि ये वाली सब्जी जो है मैं इसमें डालूंगी। बट उससे पहले मैंने डालना है लहसुन, जो तेल गर्म हुआ। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, इसको मैं अच्छे तरीके से पहले फ्राई करूंगी, इसको पकाऊंगी अच्छे तरीके से, फ्राई कर लूँ पकाऊंगी इसको अच्छे तरीके से। अब ये लहसुन जो है ये मैंने अच्छी तरीके से जो है वो सौते कर लिया है। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ग्रीन चिली। अगर आपको आप तीखा नहीं खाते हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरी डिश का नाम ही है सीजनिंग चिली पोटैटोज, तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि हम चिलीज जो है वो डालें। डालूंगी इसमें अदरक, मैंने लहसुन जो लिया था मैंने वो 2 चम्मच मैंने लहसुन कूट कर लिए थे और 1 चम्मच जो मैंने अदरक लिया था। अब इसमें मैं अपनी सारी वेज जो है वो डालूंगी। अब इसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि जो हमने अदरक और लहसुन डाला है, मिर्ची, ये सारा जो है वो एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब ये अच्छे तरीके से हो गया है, साथ साथ में इसको सॉटे भी करते रहेंगे। बट अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सोया सॉस, सिर्फ 1 ही चम्मच डालूंगी मैं, ज्यादा नहीं। मैं डालूंगी आधे से भी कम जो है वो विनेगर, जिसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती है। और यहां डाल दूंगी मैं टोमेटो सॉस, ये मैं डालूंगी बड़े 4 चम्मच, मतलब ये छोटा वाला जो पैकेट मैंने मंगाया था ये 4 चम्मच पूरा है फुल, ये मैं पूरा डालूंगी इसमें। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉर्न, छोटे चम्मच 2, तो अब इसमें मैं जो ये कॉर्नफ्लावर का जो ये पानी है ये डाल दूंगी। तो अब मैं कलर के लिए मैं जो है यहाँ पर इसमें ये डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया चिली पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा कलर आए। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो चीनी डाल दिया है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम, इससे थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा अच्छा टेस्ट करता है। बस ये हमारा ये मसाला तैयार है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी मैगी मसाला, अब इसमें डालूंगी मैगी मसाला। ऐसे तो मैं ज्यादा यूज करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ये डिश का नाम क्या है,
सिजलिंग चिली पोटैटोज, तो जितना सिजल होगा उतना जो है खाने में मजा आएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप देख लेना मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और अब फाइनल स्टेज अपने पोटैटो जिसमें ऐड कर रही हूँ, इसको हम अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमने ग्रेवी तो नहीं बनना, ये बनेगा सूखा। इसको आप रोटी के साथ खा लीजिए या आप चावल के साथ भी इसको आप ऐसे खा सकते हैं। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए जो है स्लो पे छोड़ देंगे और ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। तो हम मिलते हैं क्विक 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल रेडी, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है इस तरीके से आप बनाएं, ट्राई करें और अपने हिसाब से आप जो है तीखा मीठा जैसे भी आपको मतलब चाहिए आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।